इस टाइम हम जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर हैं, जहाँ एबीवीपी के छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेके सड़कों पर आ गए हैं। हम इस टाइम जम्मू विश्वविद्यालय के बाहर हैं और एबीवीपी के जो छात्र हैं अपनी मांगों को लेकर यहाँ सड़क के बाहर आ गए हैं, जो रोड के बाहर मेन रोड पे रोड को ब्लॉक करने जा रहे हैं। रोड को ब्लॉक कर दिया गया है। आप देखिए जिस तरह से छात्रों भारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये देखिए जिस तरह छात्र और छात्राएं जो इन्होंने अभी जम्मू यूनिवर्सिटी का रोड है वो ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया है। रिवोक करो पर जो सैक का जो डिसीजन है उसको रिवोक करने के लिए, उसकी मांग को रद्द करने के लिए ये किया गया है। हम आपको बता दें कि ये प्रोटेस्ट काफ़ी दिनों से, एक हफ्ता पहले भी प्रोटेस्ट हुआ था इसी मुद्दे को लेकर, पर आज छात्र सड़कों पर आ गए हैं अपनी मांगों को लेकर। ये देखिए जिस तरह से छात्रों छात्रों की जो भारी मात्रा है वो सड़क को जाम कर दिए गए हैं, ब्लॉक कर दिए गए। मैं कैमरामैन को दिखाऊंगा। ये देखिए जिस तरह छात्राएं सड़क पर बैठ गई हैं और अपनी जो सैक का जो ऑर्डर है उसको रिवोक करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। ये देखिए चित्र है, ये देखिए जिस तरह से वो छात्र, आपको कैमरामैन को दिखाऊंगा कि जो बाकी वाहन है वो भी बंद किए रोके जा रहे हैं, जो छात्रों द्वारा कि जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय का जो मेन रोड है वो बिल्कुल टोटल बंद कर दिया, और जो पुलिस कर्मी है वो उनको खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बताएंगे आज का जो प्रदर्शन है किस तरह से, क्या है। देखिए हमारी स्पष्ट मांग है और हम अपनी मांग को लेकर पिछले 2-3 वर्षों से लगातार छात्र प्रोटेस्ट कर रहा है। पिछले 20 दिन से हम लोग लगातार सड़कों पर है कि सैक ऑर्डर को रिवोक किया जाए, परंतु जम्मू कश्मीर की सरकार वो सुनने का नाम ही नहीं लगी है। इसलिए हमारी स्पष्ट मांग है कि 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होना चाहिए और 20% डिपार्टमेंटल प्रमोशन होना चाहिए, उसी को लेकर आज हम प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर ये देखिए जितने छात्र और छात्राएं सड़क पर बैठ गए हैं और गाड़ियों को वाहनों को रोका जा रहा है। आपका नाम? मेरे साथ वही वर्ड अलता। मेरा बताएंगे आज का जो प्रदर्शन है किस मांग को लेकर। भैया ये जो इन्होंने फैसले लिए हुए हैं ये देखो आपके सामने है। ये एसएससी ने जो डिसीजन लिया हुआ है कि आरईटी टीचर्स जो हैं उनको जनरल लाइन टीचर्स किया गया, और ये जो प्रमोशन ये देख सकते हो आप कि मास्टर लाइन्स को लेक्चरर बनाया जाएगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे भाई? हम किस लिए डिग्रियाँ कर रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने कहाँ जाना है? गांधी बेलचा तो नहीं चला सकते ना, अब 16-17 साल हो गए किताबें पढ़ते हुए, अब गांधी बेलचा भी नहीं चला सकते, अब कहाँ जाएं? यही हमारी मांग। माना नहीं गया तो आप क्या कहेंगे भाई? अभी देखा जाएगा आगे, ये प्रोटेस्ट बहुत आगे तक जाएगा। अगर हमारी डिमांड्स वापस, अगर इन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया जो बिल्कुल गलत फैसला है, तो हम जो है ये प्रोटेस्ट बहुत आगे तक जाएगा। अभी छोटे लेवल पे शुरू हुआ है, ये बहुत आगे तक जाएगा। ये देखिए जितने छात्रों का कहना है कि अगर ये सैक के जो ऑर्डर को रिवोक नहीं किया गया तो आज छोटे लेवल की मांग जो प्रदर्शन है बड़े लेवल तक जा सकता है। हाँ, आपका नाम? चाहत। बताएंगे आज का जो प्रदर्शन है वो किस लिए है? जी पिछले कई दिनों से जो है ये रिवोक सिस्टम को, सैक जो डिसीजन लिया गया था उसको लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। युवा सड़कों पर है क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है, कई महीनों से जो है बात नहीं मानी जा रही, और सरकार का कहीं ना कहीं कमी है। सरकार को फैसला लेना चाहिए कि आज यूथ अगर सड़कों पर है तो बहुत बड़ी बात है। ये देखिए छात्रों का वही है मांग है कि अगर इसको रिवोक नहीं, और भी आप देखते हैं जम्मू यूनिवर्सिटी के जो और भी जो ला कॉलेज के जो स्टूडेंट है वो भी बाहर आ चुके हैं इनकी छत पर, इनके हक में इनके भी। ये देखिए ये ला कॉलेज के स्टूडेंट है, आप देख सकते हैं ये ब्लैक जो इनकी यूनिफॉर्म है, जो जम्मू यूनिवर्सिटी ला के स्टूडेंट हैं वो भी इनके समर्थन में आ चुके हैं। ये देखिए जिस तरह से आज पूरा पूर्ण
जो जो विश्वविद्यालय के सामने वाला रोड है वो टोटली बंद कर दिया गया है, कि आज की छात्र जो उनकी अपनी मांगों को लेके भड़का हुआ है। ये देखिए जिस तरह से छात्र जो सड़कों पर लेट गए हैं, कि नहीं ये देखिए जिस तरह से एक जो एम्बुलेंस फंस गई है उसको रास्ता देने के लिए जब कुछ छात्रों ने रास्ता दिया, कोई इंसानियत की नाम की कोई चीज़ है, और जिनको क्योंकि जो एम्बुलेंस को निकाला जाएगा, क्योंकि एम्बुलेंस को निकाला जाएगा, बाकी शायद वाहनों को शायद रोक दिया जाए, पर ये छात्रों द्वारा देखिए जो एम्बुलेंस को रास्ता दिया जाएगा, क्योंकि इसमें कोई मरीज होगा, किसी की जान खतरे में होगी, इसको इसलिए इसको एम्बुलेंस को बड़े सेफली से निकाला गया। और छात्र फिर सड़कों के बीच की और किसी वाहन को जाने की इजाज़त नहीं है। ये देखिए जिस तरह से जी, मेरा नाम धीरज शर्मा, जम्मू विश्वविद्यालय छात्र। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सैक का एक ऑर्डर आता है 2018 में, जिसकी हमने निंदा की है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जितने भी हमारे आरईटी के तहत ड्राइवर है, तालीम के तहत जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उनको 100% डायरेक्ट आगे प्रमोट किया जाएगा, और जितने भी हमारे मास्टर्स के लेवल के टीचर्स हैं उनको लेक्चरर में प्रमोट किया जाएगा। इसमें हमें कतई भी स्वीकार नहीं है, जिसके लिए हम काफ़ी दिनों से यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं और सोई हुई सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पिछले एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट चलाया गया जिसमें हर एक विद्यार्थी एलिजिबल हो और मेरिट के हिसाब से उसको टीचर्स की नौकरी लगे। यदि ऐसा होता है, यदि आरईटी के तहत जितने भी टीचर्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है, तो आने वाले 10-12 साल में कोई भी मास्टर्स की कोई भी टीचर की पोस्ट नहीं निकलेगी। इसमें जितने भी युवा हैं वो क्या कहाँ पे जाएंगे 12 साल के बाद, वो कहाँ पे जाएंगे 12 साल। यदि कोई भी आज देखते हैं आप मास्टर्स कितने बच्चे कर चुके हैं, पीजी को छोड़ के मास्टर्स, सॉरी पीजी को छोड़ के बीएड जेआर, इवन के नेट जेआर भी कर चुके हैं, फिर तो उनके साथ एक तरह से उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि ये जो सैक ऑर्डर है ये युवा एंटी युवा ऑर्डर है। हमारी डिमांड है कि 80% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो और 20% जितने भी आरईटी के टीचर्स हैं उनको प्रमोट किया जाए। यदि गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है तो एक आज के बाद रोजाना एक आंदोलन गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा, जिसके लिए एलजी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार होगी। और हमारी ये भी डिमांड है कि हमारा प्रश्न चिन्ह ये भी है सरकार से कि क्या 12th लेवल का टीचर है जो, क्या वो मास्टर लेक्चर स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे पढ़ाने में क्या योग्य है, क्या वो कैपेबल है पढ़ाने में। हमारा ये भी प्रश्न चिन्ह एक सरकार को है, क्योंकि आगे होता रहा आरईटी के तहत लगे टीचर्स को जितने भी हमारे कच्चे टीचर हैं उनको प्रमोट किया था, लेकिन 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है और 50% जितने भी हमारे पुराने टीचर हैं उनकी होती है। तो हमारी यही सरकार से डिमांड है कि इसको रिवोक किया जाए, सैक ऑर्डर को रिवोक किया जाए और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाली जाए। जय हिंद जय भारत। ये देखिए जिस तरह से छात्रों का कहना है कि जो सैक का रिवोक जो ऑर्डर है उसको रिवोक कर किया जाए, अगर ये ऑर्डर रिवोक नहीं किया जाता तो छात्र रोज सड़कों पर प्रदर्शन करेगा और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेगा। कैमरामैन बजेंद्र कुजूर के साथ मैं सुजीत सिंह, जेके न्यूज़ जम्मू।